प्रभु की स्तुति हो। मैं जॉब में से चैप्टर 14 का 5 पढ़ना चाहते हैं, जिसमें लिखा है, आवर टाइम ऑन अर्थ इज ब्रीफ, द नंबर ऑफ आवर डेज इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय यू। आमेन। यहाँ पे वचन कहता है कि हमारा जो समय है इस पृथ्वी के अंदर बिल्कुल छोटा है, और जो हमारे दिन है वो परमेश्वर ने डिसाइड कर दिया है। मतलब प्रभु ने हमें कितना समय इस पृथ्वी पर रहना है वो उसने डिसाइड कर दिया है। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि फिर हमें किस बात की चिंता, या हम चिंता क्यों करें? क्योंकि जब ऑलरेडी परमेश्वर ने हमारे समय को निर्धारित करके रखा है, तो हमारे चिंता करने से या हमारे व्याकुल होने से क्या हम किसी भी समय को या परमेश्वर के निर्धारित समय को हम बढ़ा सकते हैं? नहीं। वचन कहता है कि तू कल के विषय में मत फूल, क्योंकि तुझे नहीं पता कल क्या लाएगा। हमें नहीं मालूम है कि कल हमारे लिए क्या लेकर आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लानिंग्स ना करें या हम कल के लिए प्रिपेयर ना हो, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन हम अननेसेसरी चिंता करके और अपने अंदर अननेसेसरी का दुख को हम अपने अंदर ले लेते हैं, और आने वाली खुशियों को हम रोक देते हैं, और अथाह दुख में हम अपने आप को डाल देते हैं, जिसका करना या दुख का करना बेहद व्यर्थ है। तो मैं इनकरेज करना चाहती हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग किसी भी वजह से दुखी हैं अपने फ्यूचर को लेकर, या अपने हेल्थ को लेकर, या अपने कि हमारा कल क्या होगा, ये इस चीज़ या इन बातों को लेकर अगर हम व्याकुल हैं, तो मैं बता दूं कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। सब कुछ जो है वो प्रभु के हाथ में है। परमेश्वर हर एक बात के ऊपर अपना कंट्रोल रखा है उसने, और ऐसी कोई बात नहीं है वो जो नहीं जानता हो। हमारे हमारे जीवन से ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको नहीं पता हो। जैसे कि वचन कहता है कि हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, हम इतने प्रेशियस है उसके लिए। तो जो हम उसके लिए इतने प्रेशियस है, तो वो क्यों कर हमें किसी मुसीबत में डालेगा और हमें बचाएगा नहीं? ऐसा नहीं, वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है, वो हमें बचाएगा, हमें एक अच्छी हेल्थ देगा। क्योंकि ये साबित करता है कि ये दौर जो है पेंडेमिक का दौर है, ये दौर बीमारी का है, चारों तरफ बीमारियां हैं, लेकिन आज आप और मैं उसके अद्भुत करुणा की वजह से ही बचे हुए हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहें और सर्वदा परमेश्वर से प्रार्थना आराधना करते रहें, उसका धन्यवाद करते रहें, क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। और जो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो हमारे दिन जो परमेश्वर ने निर्धारित करके रखा है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जो समय हमको जो परमेश्वर ने दिया है, जितना भी समय, वो समय को हम खुशी के साथ में अपने जीवन में उतारें और खुशी के साथ में अपने जीवन को चलाएं। क्योंकि हमारा लाइफ कितना लॉन्ग है, कितना शॉर्ट है, वी नोबडी नोस। सो आई इनकरेज यू, मैं आपको इनकरेज करती हूँ कि वो जॉय और पीस वो हैप्पीनेस को अपने जीवन से जाने ना दें। आमीन। थैंक यू।